कल हमने पढ़ा था त्रिभुज और उसके गुण, तो उसके अंदर हमने जो त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे उसमें से एक प्रकार हमने पहला जो पढ़ा था वो था हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो उसके भुजाओं के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा प्रकार, त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पे। तो कोणों के आधार पे भी हमारे पास त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो जो पहला प्रकार हमें दिख रहा है इसके अंदर, इसमें 60-60 डिग्री के तीनों कोण बने हुए हैं, इसका मतलब ये न्यून कोण है। न्यून कोण कौन से होते हैं, जो कि 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो इसमें 60 डिग्री है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हुआ, ये न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें हमारे पास सभी कोण जो होते हैं वो हमारे 90 डिग्री से कम के होंगे, यानी इसमें सभी कोण न्यून कोण होंगे। अभी ये सेकंड हमारे पास है समकोण त्रिभुज, इसमें हमारे पास 90 डिग्री का कोण है। अगर 90 डिग्री का नहीं हो और मान लो इसके अंदर एक साइन ही बना दिया जाए, यहाँ पे ये एक छोटा सा इस कोने में एक वर्ग बना दिया जाए, तो भी ये कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसके अंदर एक जो कोण है हमारा वो 90 डिग्री का है। तो इसके जब 90 डिग्री का कोण हो किसी भी त्रिभुज में, एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो उस कोण को बोला जाता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। फिर हमारा जो तीसरा प्रकार है ये है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि अधिक कोण कौन से होते हैं हमारे पास, जो 90 डिग्री से अधिक के जो कोण होते हैं वो हमारे अधिक कोण होते हैं। तो जिस भी त्रिभुज में 90 डिग्री से ज्यादा का एक कोण होगा उसको हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें हमारे पास तीनों प्रकार आ गए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक समकोण न्यून कोण से हमारी क्या पहचान होगी इसमें, कि एक इसमें जो हमारे जो कोण होते हैं इसमें तीन कोण हैं और तीनों ही कैसे होंगे, न्यून होंगे। न्यून से मतलब है 90 डिग्री से कम के कोण, और अधिक इसमें जो समकोण त्रिभुज है इसके अंदर एक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा, बाकी हमारे छोटे बड़े हो सकते हैं या फिर इसमें 45-45 डिग्री के बनेंगे। अब हमारा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण में हमारे पास एक कोण अधिक कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से अधिक का कोण होगा, तो हमें देखते ही पहचान में आ जाएगा कि ये अधिक कोण त्रिभुज है। और एक इसकी एक विशेषता और होती है त्रिभुज में कोणों के आधार पे, मानो कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं हमारे पास, चाहे हम ये 60-60 डिग्री के हों, मान लो 60-60 डिग्री के हैं, तो इनका योग क्या होगा, हमेशा त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री। तो तीनों कोण छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो त्रिभुज के कोणों का जो योग आएगा तीनों का, वो आएगा 180 डिग्री। उसमें सभी कोण न्यून हो सकते हैं, एक समकोण हो सकता है और एक अधिक कोण हो सकता है, लेकिन जो इनका जो योग आएगा टोटल हमेशा के लिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आता है 180 डिग्री। तो इस आज इसमें हमारे इस दिन में हमें परिभाषा याद करनी है दोनों ही प्रकारों में, भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे, और ये इसकी एक डेफिनेशन याद करनी है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। धन्यवाद।